साथ ही माना साथिया सीरियल में दूसरी गोपी बहू का किरदार निभाने वाली सुंदर सुशील एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्य ने 14 दिसंबर के दिन एक जिम ट्रेनर शहनवाज शेख से शादी कर सभी को चौंका दिया है। जिनके गुपचुप हुई शादी की तस्वीरें अचानक सामने आते ही हर किसी के चक्के चूट गए हैं। ऐसे में कुछ लोग और स्टार्स इन्हें लख लख बधाइयां देते हुए अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपना अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। जिनके साथ साथ शो में देवोलीना भट्टाचार्य की ऑन स्क्रीन बहन राधा बनी भाविनी पुरोहित ने भी अपना जमकर रिएक्शन देते हुए काफी कुछ कहा है, जो आज हम आपको बताएंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जी हां दोस्तों, सबकी प्यारी दुलारी अभिनेत्री देवोलीना भट्टाचार्य की शादी हो चुकी है, जो अपने 2 साल पुराने आशिक शहनवाज शेख की हो गई है। और इस वक्त इनकी शादी की तस्वीरें खूब ट्रेंड हो रही है, जिन्हें देखकर लोग अच्छी बुरी दोनों बातें कर रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि साथी माना साथिया सीरियल में देवोलीना भट्टाचार्य की बहन बनी भाविनी पुरोहित, जो खुद इनकी शादी में ठुमके लगाती हुई दिखी थी, ने भी अपना रिएक्शन देते हुए पीठ पीछे कहा कि देवोलीना ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। हमेशा तो ये विशाल से चेप रही है और गुल किसी और के साथ खिलाए, इसकी वजह से बेचारे विशाल सिंह की जो बदनामी हुई उसका क्या। खैर, मैं इसकी शादी में जाना तो नहीं चाहती थी, पर मुझे अपना मन रखने के लिए जाना पड़ा। लेकिन वहां जाकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि देवो ने ऐसा क्यों किया, और अगर किसी भी और किया भी तो सबसे क्यों छुपाया। वेल दोस्तों, आप भावनी के इस रिएक्शन से कितने सहमत है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।